हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्डिबेंस। सो गाइस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और रिजल्ट्स रिलेटेड गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ गई है कि आप लोग के जो प्रमोटेड जो कैंडिडेट्स जो थे, जो कि 20-22 सेशन के कैंडिडेट्स, उनका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि गाइस बहुत तेजी दिखाई गई है, डीजीटी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा तेजी दिखाई गई है, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं था कि ये जो है अभी इस डेट में 19 फरवरी को ही जारी कर दिया जाएगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक गाइस आपको न्यूज में दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी। हालांकि सर्वर बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे अपना जो है डाउनलोड जगह पहले बता दूं मैं आपको। तो सिंपली आपको जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन में चले जाना है, यहां पे आपको जाना होगा वेरिफिकेशन में, उसके बाद ट्रेनी मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाना होगा और फिर ये पेज आपका खुलेगा। डायरेक्टली मैं आपको ये लिंक देने वाला हूं, ठीक है? ये लिंक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, मार्कशीट वेरिफिकेशन का। आपको सिंपली इस जगह पे पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए यहाँ पे 20 करके होगा, क्योंकि आपका 20-22 सेशन का मैं बता रहा हूँ, अभी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स का नहीं आया है, ठीक है। जो भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स प्रमोटेड कैंडिडेट्स थे उनका भी रिजल्ट नहीं आया गाइस, मंडे तक उम्मीद है आ जाएगा, ठीक है। और 19-21 जो रेगुलर सेशन है या फिर 20-21 वाले कैंडिडेट जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, रेगुलर सेशन का जिनका पेपर हुआ है, उनका उम्मीद है जिस तरह से यहाँ अभी रिजल्ट आ गया है, तो ये 28 फरवरी तक उम्मीद है कि दे दिया जाए। चलिए अभी जो है यहाँ पे कैसे आप लोग को करना है, कैसे चेक की जगह मैंने बता दिया। यहाँ पे मार्कशीट वेरिफिकेशन में क्लिक करना होगा आपको, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले लीजिएगा। अन्य तो प्रोसेस जो मैं आपको बताया वेरिफिकेशन में, मार्कशीट वेरिफिकेशन में जाइए, क्लिक कीजिएगा, ये पेज खुलने वाला है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है। एग्जाम सिस्टम में सेमेस्टर नहीं दीजिएगा आप, एनुअल सिस्टम, क्योंकि 18 के बाद से एनुअल सिस्टम हो गया है। एनुअल सिस्टम यहाँ क्लिक कीजिए, फोन से अपना 2 मिनट में चेक कर लीजिए रिजल्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ईयर में यहाँ फर्स्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही प्रमोट किया गया है ना, और सेकंड ईयर तो अक्टूबर में एग्जाम। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए गाइस अभी सर्च बटन पे क्लिक तो कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं यहाँ पे देखिए तभी से मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, ठीक है। क्या क्या आ रहा है देखिए, सेशन टर्मिनेट, मतलब बहुत सारे बच्चे एकाएक जो यहाँ पे यूजर्स जो है यहाँ पे आ गए हैं वेबसाइट पे, मुझे बहुत ज्यादा ये जो सर्वर है क्रैश हो रहा है, देख रहे हैं सेशन टर्मिनेट। तो आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, घबराइए नहीं, रिजल्ट आ गया है और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। तो मैं अभी ट्राई रिट्राई करके आपको दिखाई भी देता हूँ, आ जाना चाहिए। सेशन टर्मिनेटेड आ रहा है बार बार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूजर करंटली यूज कर रहे हैं। इस तरह का भी एरर आपको आएगा, घबराइएगा नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिएगा और आप लोग को जो है ये जो है रिजल्ट आप लोग अपना देख पाइएगा, ठीक है। यहाँ चलिए मैं फिर से इसको जो है एक बार फिर से ट्राई कर लूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार सर्च करता हूँ। बट गाइज ये देख रहे हैं बिना बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा अभी बिजी हो गया है सर्वर, बच्चे एकाएक जो है ये कर रहे हैं, देखिए एरर भी आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ एक दो बार। गाइज फाइनली ट्राई करते करते आफ्टर ऑल जो है ये खुला रिजल्ट, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करते रहिएगा, रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये एकेडमिक सेशन कौन सा है, तो अगस्त 2020 का, मतलब अगस्त 2020 सेशन, मतलब 20-22 सेशन का, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है 20-22 सेशन है ना यहाँ 20। अच्छा अभी एग्जाम सेशन कौन सा है, जुलाई 2021, जाहिर सी बात है जुलाई 2021 का ही प्रमोशन आप लोग का हुआ था। तो देख लीजिए रिजल्ट ओवरऑल इनका क्या हो गया, पास हो गया। क्यों पास हुआ, क्योंकि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें देखिए इन्होंने जो है 17 नंबर स्कोर कर लिया, मतलब कि 50 में 17 नंबर पासिंग मार्क्स ही था, और ये क्या हो गए, सॉरी यहाँ पे देखिए मिनिमम जो मार्क्स है 17 नंबर लाना था और इन्होंने 37 नंबर लाया, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा नंबर लाया है एक तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग जो है इनको यहाँ पे मार्क्स दिया गया ट्रेड थ्री में। ट्रेड थ्री में इनको कितना मिला है, 73 मिला है, ठीक है। उसके बाद इंप्लॉयबिलिटी स्किल में कितना मिला है, 37 मिला है, 50 में 37 मिला है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 50 में 37 मिला है। तो ये कैलकुलेशन गाइज लगाया गया है किस पे, आपका ईडी पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, और जो है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल पे, ठीक है। 250 में देखिए 246 था, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल करके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे 37 था, तो यहाँ भी 50 में कितना दिया गया, 37 दे दिया गया है, ठीक है। और फिर वर्कशॉप में भी 50 में 37 दे दिया गया, और 100 में कितना दे दिया गया है, तो इसका जो है आपका मोटा मोटी डबल कर लीजिए, क्योंकि 50 यहाँ 50 मार्क्स आता है, यहाँ 100 मार्क्स आता है, यहाँ 37 नंबर लाए हैं 50 में, तो इसका डबल यदि कीजिएगा तो मोर और लेस कितना हो जाएगा आपका, 74 नंबर के आसपास आना चाहिए। तो इनको मिला है लगभग आपका 73 मिला है, तो उसी तरह से लिया गया है, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ पे अब कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या लगा है यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल का लिया जाएगा, ठीक है।
ये और जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में लिया जाएगा फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए। तो इन तीनों का जोड़ के यदि एवरेज निकाला जाए तो इनका परसेंटेज और भी ज्यादा हाई होता। उस हिसाब से इसका ट्रेड थ्योरी का मार्क्स कुछ और आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था, इंप्लॉयड स्किल का ज्यादा आना चाहिए, बट यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ईडी का अकॉर्डिंगली यहाँ मार्क्स दिया गया है इसमें, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या लगा है, हो सकता है कि बाद में ये लोग बताएंगे कि क्या फॉर्मूला लगा है, बट गाइज यहाँ पे तो रिजल्ट जो है पब्लिश किए जा चुके हैं, बिल्कुल फेक नहीं है और आपके सामने जो है ये घूमता घूमता जो है खुला है, ठीक है। और सेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 20 सेशन का है, 2020 सेशन का है, ठीक है। तो आप लोग भी चेकआउट अपना कर लीजिए और थोड़ा सा जो है आपको वेट करना होगा, और इसलिए क्योंकि ये देखिए एरर आ रहा है बहुत सारा आपके सामने में, ट्राई किया हूँ, ठीक है। इस तरह का एरर आएगा तो घबराना नहीं है, और आगे के सेशन जो है उनका रिजल्ट जो है मंडे तक ट्यूजडे तक आ जाएगा, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है इस तरह का भी एरर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक मैं आप लोग दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, योर रिजल्ट इज नॉट प्रोसेस कार्डली कॉन्टेक्ट डिजिटी डीटी सेल, इस तरह का भी एरर आ सकता है, तो आप लोग वेट करना है, ये आपको आप लोग का सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सटीक लगा होगा, बिल्कुल जानकारी पूर्ण लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे अदर अपडेट्स भी चैनल पे आई हुई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा और विजिट कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए।